Welcome to Vigyan Academy. Today we are going to discuss the question which is based on element, compound and mixture classification. इस question में हम classify करने की कोशिश कर रहे हैं कि elements, compound और mixtures को हम कितनी बारीकी के साथ और कितने अच्छे तरीके से पहचान सकते हैं, और जैसे ही नाम हमारे दिमाग में किसी भी पर्टिकुलर सब्सटेंस का आता है तो हाउ कैन वी क्लासीफाई इट, इसको किस तरीके से हम वर्गीकृत कर सकते हैं, उसे आज हम इस क्वेश्चन के माध्यम से हम जानने की कोशिश करेंगे. एक क्वेश्चन मैंने एनसीईआरटी से लिया है और इस क्वेश्चन में डिफरेंट एग्जाम्पल्स आपको दिए गए हैं और आपको बताना है कि ये जो दिया गया सब्सटेंस है ये एलिमेंट है, ये कंपाउंड है या मिक्सचर है. सबसे पहले हम बात करते हैं एयर की. जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि जो एयर होती है उसमें नाइट्रोजन मौजूद होता है, उसमें ऑक्सीजन मौजूद होता है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद होता है, उसमें इनर्ट गैसेस मौजूद होती हैं, यानी बहुत सारी गैसेस का वो मिक्सचर है. अब वो नाम से ही मिक्सचर है, इसका मतलब एयर को हम किस कैटेगरी में डालेंगे? एयर को हम 100% मिक्सचर की कैटेगरी में डालेंगे, यानी ये मिश्रण होगा. दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं डायमंड. डायमंड यानी हीरा, और हीरा आप जानते हैं कि ये कार्बन का एलोट्रॉप है, कार्बन का अपर रूप है, और अपर रूप का मतलब ये है कि इसमें कार्बन के अलावा एक्सेप्ट कार्बन नो एनी अदर एटम इज प्रेजेंट, यानी कोई दूसरा परमाणु मौजूद नहीं है. यानी डायमंड को हम किस कैटेगरी में रखेंगे, ये भी एलिमेंट की कैटेगरी में आएगा, क्योंकि हमने बताया था कि इस समान प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने पदार्थ को क्या कहते हैं, एलिमेंट कहते हैं. एलिमेंट इज मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम्स. आगे देखते हैं स्मोक. स्मोक बेटा ये जो धुआं होता है, जो धुआं हम आसपास देखते हैं जब भी हम किसी चीज को जलाते हैं, तो जो स्मोक उसमें से जो है हमें ऑब्जर्व होता है वो स्मोक क्या है? इट इज नथिंग बट कार्बन पार्टिकल दैट रिमेन डिस्पर्स्ड इन एयर. कार्बन के जब कण होते हैं, जब वो वायु में डिस्पर्स हो जाते हैं, तो हम उसे धुआं कहते हैं. अब आप देख सकते हैं कि जब एयर में कार्बन का पार्टिकल जाएगा तो उसे हम धुआं कहेंगे. तो अब आप देखें कि एयर खुद मिक्सचर है और मिक्सचर में कार्बन का पार्टिकल गया है, इसका मतलब स्मोक को भी हम किस कैटेगरी में रखेंगे? ऑब्वियसली मिक्सचर की कैटेगरी में रखेंगे. आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं. नेक्स्ट एग्जाम्पल हमने लिखा है ड्राई आइस. अब देखिए ड्राई आइस जो है इसे हम कहते हैं सॉलिड CO2 जो होती है, यानी ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को हम ड्राई आइस कहते हैं. और आप जानते हैं कि ये जो ड्राई आइस है एज ए रेफ्रिजरेंट यानी प्रशीतक के तौर पर इसे इस्तेमाल किया जाता है. आप देख सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन है, ऑक्सीजन है, यानी दो डिफरेंट एलिमेंट के एटम से कंपाउंड बना है, इसलिए इसे कंपाउंड कहेंगे, यानी ये यौगिक कहलाएगा. यानी ये किस कैटेगरी में आ जाएगा? इसे हम कंपाउंड की कैटेगरी में रखेंगे, यानी ये यौगिक की कैटेगरी में आएगा. अगर हम बात करते हैं ग्रेफाइट, देखिए जिस तरीके से डायमंड उसमें भी कार्बन मौजूद है, ग्रेफाइट में भी कार्बन ही मौजूद है, क्योंकि डायमंड और ग्रेफाइट दोनों कार्बन के एलोट्रॉप या अपर रूप कहलाते हैं. तो कार्बन के अलावा कुछ मौजूद नहीं है, इसलिए ये ग्रेफाइट भी किस कैटेगरी में आएगा? ऑब्वियसली एलिमेंट की कैटेगरी में आएगा. तो हम इसके आगे लिख देते हैं एलिमेंट. आगे चलते हैं ग्लूकोज की बात करते हैं. आप और हम सब ग्लूकोज से परिचित हैं और गर्मियों का सीजन है, ग्लूकोज की बहुत ज्यादा जरूरत होती है. जो भी चीज हम खाते हैं वो फाइनली कन्वर्ट किसमें होती है? वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होती है, और फिर इसका फर्दर जो है रेस्पिरेशन और वो सारा प्रोसेस होता है. ग्लूकोज का फॉर्मूला हर स्टूडेंट को आना चाहिए, C6H12O6. जितने कार्बन हैं 6 कार्बन हैं, 6 ही ऑक्सीजन है, और 12 हाइड्रोजन एटम्स मौजूद होते हैं एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल में. आपको सीधे नजर आ रहा है कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है,
और एक से ज्यादा एटम्स से मिलकर बना हुआ जो सब्सटेंस होता है उसे हम क्या कहते हैं, कंपाउंड कहते हैं। ऑब्वियसली ये भी कंपाउंड की कैटेगरी में आएगा। तो इस क्वेश्चन के थ्रू हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर एक से ज्यादा कंपाउंड या एलिमेंट से बना हुआ सब्सटेंस है तो हम उसे मिक्सचर की कैटेगरी में रखेंगे, अगर एक ही तरह का है, एक से ज्यादा हो सकता है लेकिन एक ही तरह का, मैं ये कह रहा हूं एक ही तरह, यानी आप समझ रहे हैं बात को, यानी अगर मुझे किसी ने जो है एक कटोरी के अंदर सिर्फ चने की दाल दे दी है, सिर्फ चने की दाल है, अब एग्जांपल ले ले, मैं चने की दाल में ये नहीं कह रहा कि वो एलिमेंट है, चने की दाल अगर एक जो है कटोरी में मौजूद है तो वो एलिमेंट की कैटेगरी है, वो एलिमेंट जैसा है, यानी उसमें सिर्फ चना होगा, उसमें मसूर नहीं होगी। लेकिन अगर किसी ने मुझे एक कटोरी में चने की दाल भी दे दी है, मुझे मसूर की दाल दे दी है, दो दालें कर दी हैं, तो अब वो जो है वो क्या हो गया है, वो एक कंपाउंड बन गया है। लेकिन अगर आप ये देखें कि बहुत सारी दालें डिफरेंट प्रपोर्शन में मुझे दे दी गई हैं तो उससे मिक्सचर का फॉर्मेशन होगा। तो ये अपने दिमाग में छोटी छोटी टेक्निकलिटीज को अगर आप दिमाग में रखेंगे तो आई होप आपको ये सब्जेक्ट समझने में बड़ी आसानी होगी। तो ये चीज जब आपकी क्लियर हो जाएगी तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है मोल कॉन्सेप्ट, वो आप बहुत आसानी से समझ पाएंगे। इसलिए अभी तक अगर आपने वीडियोज को पूरी तरह से नहीं देखा है, आप रिप्ले करें, उसे देखें, और बार बार जब आप उसे देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, आप जो है क्लासीफाई कर पाएंगे कि एलिमेंट क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है, मिक्सचर क्या होता है। और ये जब आप क्लासिफाई कर लेंगे तो आप मोल कॉन्सेप्ट की बारीकियों को बड़ी अच्छे से समझ पाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।